कराची गर्मी की यके बाद दीगरे आने वाली लहरों की लपेट में रहता है। इसका एक अंसर दरख्तों की कमी भी है। दरख्त की बात हो और गुल मोहर का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये दरख्त कराची में गिने चुने रह गए हैं, मगर जो मौजूद है उनकी बात ही अलग है। इस दरख्त की खूबियाँ क्या क्या है, ये कैसे ग्रो करता है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एलेक्स रेजिया बेसिकली जो दरख्त है, गुलमोहर का दरख्त, ये है अफ्रीकन जजीरा माडागास्कर का नेटिव ट्री है और ये ट्रॉपिकल और वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करता है। और अगर हम बात करें शहर कराची के अंदर, तो शहर कराची में भी ये बहुत अच्छा वार्म एंड ह्यूमिड वेदर की वजह से बहुत अच्छा इसकी फ्लरिश होती है। और जो गुलमोहर के दरख्त है, ये तो सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि एक शेडी ट्री है। इसकी कैनोपी नियरली कोई 40 टू 60 फीट के करीब बनती है अगर मेच्योर ट्री हो। गर्मी में, सख्त गर्मी में साया देगा, सर्दियों में ये आपको धूप देगा क्योंकि पत्ते झड़ जाएंगे। बहार में ये खूबसूरती देगा। और इसके साथ साथ एक और बात इसकी ये है कि ये इंतहाई लो मेंटेनेंस दरख्त है। कोई ज़्यादा इसकी खसूसियात जो हैं वो मुश्किल नहीं है, आसानी से लगाया जा सकता है, किसी भी माहौल में एडजस्ट हो सकता है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि ये एक फलीदार दरख्त है। लेग्यूमिनस ट्रीज़ कहलाते हैं ये, जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको ज़मीन से कुदरती तौर पर खाद फराहम करते हैं। हवाई नाइट्रोजन को ज़मीनी नाइट्रोजन में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और वही नाइट्रेट्स पौधे को गज़ा फराहम करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गुलमोहर जहाँ कहीं भी लगा है, अगर उसकी देखभाल ना भी हो रही हो, तब भी वो बहुत खूबसूरत फूल भी देता है और पत्ते भी देता है। गुलमोहर के हवाले से हमने अब तक 2540 दरख्त लगाए हैं शहर कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर, और उनकी प्रॉपर केयर भी की है। यही वजह है कि हमारा सर्वाइवल रेट 95% है और अब तक जिस स्ट्रीट में भी जितने गुलमोहर के दरख्त लगे हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। दरख्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और दीगर कई ममालिक में, पूरी दुनिया में अब जो है ये दरख्त पाया जाता है। मगर ट्रॉपिकल इलाकों में ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और ट्रॉपिकल इलाकों में ये सीड प्रोड्यूस करता है। हमसे पंजाब वाले सवाल करते हैं कि उनके यहाँ फूल तो आता है लेकिन बीज नहीं आता। इसलिए जितना भी पौधा पंजाब में लगाया जाता है, जितने दरख्त इसके पंजाब में लगाए जाते हैं, वो सब कराची से ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि कराची के अलावा इसका ना बीज पैदा होता है और ना इसका बीज स्प्राउट करता है। ये एक नहायत खूबसूरत पौधा है और इसके अंदर जो खिलने वाला फूल है वो लोग इसके शहर में जकड़े बगैर रह नहीं सकते। ये अपनी तरफ खुद लोगों को बुलाता है। जैसे पीछे वाला आपका दरख्त है, तो ये नियरली मेरे से 300 मीटर दूर था जब मैंने इसको देखा था, और इसको देखते ही मैं इसके पास चल कर आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमने खुद अपने 2019 में अपने हाथों से लगाया था और आज माशाल्लाह इसके अंदर फूल खिले हुए। टाइम को लगता है गुलमोहर के अंदर, लेकिन एज कम्पेयर टू नीम और अदर ट्रीज़ के ये फास्ट ग्रोइंग है। नियरली आपके पीछे 2019 में हमने ये कोई 6 फीट का प्लांट लगाया था और अब इसकी हाइट आपने खुद देखकर ये तकरीबन कोई 30 से 40 फीट के करीब पहुंच चुका है। अगर इसके अतराफ में कोई ऊंचा दरख्त या ऊंची बिल्डिंग मौजूद है तो इसकी कोशिश होगी कि ये उससे ऊंचा जाए। कुछ जगहों पर देखा गया है कि एक दरख्त 3 अतराफ से बिल्डिंग में घिरा हुआ था तो उसने अपनी कैनोपी उन 3 मंजिला बिल्डिंग से ऊंची कर ली। मगर आम तौर पे जब इसको चारों तरफ ग्रोथ करने का मौका मिलता है तो ये छतरी की मानंद बहुत छोटे कद का या मीडियम साइज का दरख्त ही रहता है। कराची में अगर इसको सायादार दरख्त के तौर पर सड़क के किनारे लगाया जाए तो एक तो ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देगा क्योंकि इसका साया बहुत ठंडा है, और ये जब फूलों में घिरेगा तो जैसे चाइना और जापान में हम चेरी ब्लॉसम देखते हैं, सड़क के किनारे सिर्फ गुलाबी फूलों से भरे हुए दरख्त होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा मंजरनामा पेश कर सकता है कि सुर्ख फूलों से ढकी हुई चादर होगी और दरमियान से रोड होगा। गुल मोहर का शुमार हसीन तरीन दरख्तों में होता है। इसका घना साया जहाँ गर्मी की शिद्दत से बचाता है, वहीं माहौल को भी खूबसूरत बनाता है। इसलिए हिम्मत करें, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही गुल मोहर का पौधा लगाएं, इसकी अच्छी तरह देखभाल करें। इस तरह माहौलियाती तवाज़ुन भी होगा और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती रहेगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।